हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल लेवल में। और ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन की जो हमारे चैनल पर सीरीज चल रही थी, उसमें मैंने आपको प्ले लिस्ट सेक्शन में जाएंगे आपको, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करेंगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। 14-15 लेक्चर उसमें डाल रखे हैं मैंने। उसमें वो जैसे इंपॉर्टेंट डेज हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, इस टाइप के टॉपिक उसमें हम करा रहे थे आपको। तो इम्पॉर्टेंट भारत की कौन से लोग पुरुष हैं, फीमेल हैं, मेल हैं, तो इस तरह के लेक्चर हम करा रहे थे आपको। उसका ये एक लेसन है, इसमें हम आपको आज कराने वाले हैं। 62 प्राकृतिक झीलों की सूची होगी, उनके बारे में आपको बताएंगे। इससे आप पूरा जरूर देखिएगा, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। जो कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, अगर उसमें जीएस आता है तो इससे एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा आएगा, ठीक है। उसमें आपको हम बताने वाले हैं नाम, किस नाम क्या है झीलों का, किस राज्य से है और वो किस जिले में है, सारी बातें आपको कराने वाले हैं। इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, पॉलिटी वगैरह के जो लेक्चर चल रहे हैं कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री भी आपकी लूसेंट की समान यानी नीली वाली बुक से आने वाला है बहुत ही जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जो भी कमेंट है आपके, कमेंट किया करिए। आपको अच्छा लगा तो भी, बुरा लगे तो भी आप कमेंट किया करिए, ठीक है। इसे अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर किया करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर, झीलों की सूची 62 प्राकृतिक, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम लोग इम्पॉर्टेंट झील कवर करेंगे आज, और इसमें देखते हैं झील एक सतही जल निकाय होता है। जो झील कैसी होती है, जो चारों ओर भूमि से घिरी हुई होती है, ठीक है। नदियाँ झीलों की निर्गम आउटलेट या अंतर्गम इनलेट होती हैं, ठीक है। अर्थात मतलब क्या है इसका, सारी बातों को भूल जाइए। मतलब क्या है इसका, झीलों को जल या तो नदियों से मिलता है या वे जल के स्रोत के रूप में कार्य करती हैं। झीलें विभिन्न प्राकृतिक परिदृश्यों जैसे पहाड़ी क्षेत्रों, मैदानी पठारों, घाटी क्षेत्रों आदि में पाई जाती हैं। इसमें भारत में महत्वपूर्ण झीलों को हम लोग देखेंगे। टोटल कंप्लीट कितनी झीलें हम लोग डिस्कस करेंगे आज, 62 झीलें देखेंगे। इसमें किस राज्य से हैं, किस जिले में हैं और क्या 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 इंपॉर्टेंस है उनका, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें झीलें विभिन्न प्रकार की होती हैं जिन्हें विभिन्न मापदंडों के आधार पर बांटा जा सकता है, जैसे कि मीठे झील की, खारे झील की, है ना, सबसे बड़ी झील, सबसे ऊंची झील, इस तरह से इन्हें बांटा जा सकता है। तो देखते हैं इसमें से क्या है। सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, वो देखते हैं क्या है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो वुलर झील जम्मू कश्मीर, ठीक है, वुलर झील जम्मू और कश्मीर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। दोस्तों दो बार रिवाइज करेंगे लेक्चर को, कंप्लीट दिमाग में सारी चीज़ें बस जाएंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। खारे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हम लोगों ने क्या देखी, वुलर झील देखी जम्मू और कश्मीर में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है, चिल्का झील, कहाँ पर, उड़ीसा में, चिल्का झील उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे ऊंची झील, भारत में सबसे ऊंची झील ऊंचाई कितनी है, चुलामू झील सिक्किम में, चुलामू झील सिक्किम में, ठीक है। भारत में सबसे ऊंची झील की ऊंचाई के आधार पर अगर बात की जाए तो चुलामू झील सिक्किम में। नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे लंबी झील, भारत में सबसे लंबी झील कहाँ पर, वेबनॉड झील केरल में, लंबी झील वेबनॉड, वेबनॉड झील केरल, ठीक है। अगला है सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ है, गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद बांध पर। रिहंद बांध कहाँ है ये आप मुझे बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो एक बार फिर से देखेंगे हम लोग, रिवाइज करते हैं एक बार। सबसे बड़ी झील वुलर झील जम्मू कश्मीर, सबसे बड़ी झील खारे पानी की कहाँ पर, चिल्का झील उड़ीसा, सबसे ऊंची झील ऊंचाई के मामले में चुलामू झील सिक्किम, और सबसे लंबी लंबी वेबनॉड झील केरल, ठीक है। अगला है अगर कृत्रिम झील की बात की जाए तो गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद बांध, आपको बताना है रिहंद बांध कहाँ पर है, ठीक है। चलिए एक तरफ आपका नाम दिया हुआ है, ये झीलों के नाम हैं, ये आपके राज्य हैं कहाँ पर है, ये आपके जिले हैं, और झील का प्रकार दिया हुआ है मीठे पानी की, खारे पानी की, इस तरह का क्या क्या है, और थोड़े से तथ्य दिए हैं वो भी हम डिस्कस करते चलेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्या है आपका, पुलकित झील, पुलिकट पुलिकट झील है आपकी आंध्र प्रदेश में, पुलकट झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में सुलुरपेट जिले में, कहाँ पर। मेन इसमें आप जिले भले एक बार भूल जाएं,
जिले भले भूल जाएं झीलों के झीलों में, लेकिन आपको उनका राज्य जरूर याद रखना है कि वो किस राज्य में है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। पुलकित झील है, खारे पानी की झील है, आंध्र प्रदेश में है। पुलकित झील पक्षी अभयारण्य के चारों ओर फैली हुई है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी यहीं पर है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। कुलेरु झील ये कहाँ पर है? ये भी आपकी आंध्र प्रदेश में है, ये भी आपकी आंध्र प्रदेश में है। कुलेरु झील भी विजयवाड़ा विजयवाड़ा जिले में स्थित है। मीठे पानी की झील है, ये मीठे पानी की झील है। दोस्तों हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है जम्मू कश्मीर में। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वो अलग मीठे पानी की सबसे बड़ी की बात की थी, इसलिए हमने आपको बताया था वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। पुलकित झील हो गई आपकी आंध्र प्रदेश में, खारे पानी की झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में है, मीठे पानी की झील, प्रवासी पक्षियों के लिए घर है एक तरह का ये, ठीक है, प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। अगला है आपका नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर ये है आपका आंध्र प्रदेश में, मीठे पानी की झील है, कृत्रिम रूप से निर्मित है कृष्णा नदी पर, ठीक है, कृत्रिम रूप से निर्मित कृष्णा नदी पर। आगे बढ़ेंगे, अगला है आपका फोर्थ चौथी झील है, कौन सी? हॉफ लॉन्ग झील। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हॉफ लॉन्ग झील अगला है, फोर्थ हॉफ लॉन्ग झील ये है आपकी असम में, असम में है, मीठे पानी की झील है और अधिक ऊंचाई वाली झील है, अधिक ऊंचाई वाली झील है, ठीक है। चलिए, चार हो गई आपकी, तीन हो गई आंध्र प्रदेश की, एक हो गई असम की। आंध्र प्रदेश की सारी रिवाइज करते हैं, पुलकित झील, कोलेरू झील, नागार्जुन सागर, ठीक है, पुलकित झील, कोलेरू झील, नागार्जुन सागर, खारे पानी की है और एक खारे पानी की है पुलकित, और दो है मीठे पानी की, कोलेरू झील मीठे पानी की, नागार्जुन मीठे पानी की, ठीक है, तीनों आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, असम की देखते हैं, असम की झीलें देखते हैं। असम की जितनी आ रही हैं स्क्रीन पर वो मैं देखता हूँ, वो भी चार आई हैं। पहली है आपकी हॉफ लॉन्ग झील, पहली है आपकी हॉफ लॉन्ग झील, ये है आपकी मीठे पानी की झील, अधिक ऊंचाई वाली है। और अगली है दीपोर बिल, दीपोर बिल भी असम की है, कामरूप जिले में, और ये भी मीठे पानी की है। अगला है सोनबील, असम की करीमगंज जिले में, मीठे पानी की झील, तकनीकी रूप से ये निर्मित की गई है, ठीक है। तो आपकी असम की चौथी जो है वो क्या क्या है? चदुम्बी झील, चंदुम्बी झील, ये भी असम की है, ठीक है, ये भी आपकी मीठे पानी की है। यहाँ पर भी प्रवासी पक्षी शीतकालीन के दौरान आते हैं, ठीक है, शीतकालीन के दौरान आते हैं। वर्ष ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा इसमें, 1897 के भूकंप द्वारा निर्मित है ना, के द्वारा निर्मित। तो ये थे आपके असम के, असम में मैंने आपको एक बार फिर से देखिए, मैंने आपको ऊपर तीन बता दी, इसमें से तीन क्या थी? आंध्र प्रदेश की थी, पुलकित झील, कोलेरू झील, नागार्जुन झील। चलिए आगे है आपका असम, असम की भी ये चार हैं, असम की भी ये चार हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हाफ लॉन्ग झील, दीपोर झील, सोनबील और चदुम्बी झील, आप चार चार पांच पांच बार लिख के याद करिए, आपको कंफर्म है रट जाएंगी चीजें, ठीक है, याद हो जाएंगी अच्छे से, ऐसा कि हमेशा के लिए याद रहेगा। हाफ लॉन्ग, हाफ दीपोर सोन चदुम्बी, हाफ दीपोर सोन चदुम्बी, ऐसे याद करिए, हाफ दीपोर सोन चदुम्बी असम, ठीक है, याद रहेगा, हाफ दीपोर सोन चदुम्बी असम। इससे ऊपर क्या था? पुलकित कोलेरू नागार्जुन, पुलकित कोलेरू नागार्जुन आंध्र प्रदेश, पांच छह बार बोलेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी हाफ दीपोर सोन चदुम्बी असम हो गई, चार हो गई। अगला है आपका बिहार, बिहार में सिर्फ एक झील है आपकी, कौन सी? कनवार झील, कनवार झील है बिहार की, बेगूसराय में है, जो कि गोखुर झील, मीठे पानी की झील है ये, एशिया के मीठे पानी की सबसे बड़ी गोखुर झील है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा से फैक्ट, तो उन चीजों को याद रखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कनवार झील बिहार में, बेगूसराय में, ठीक है। चलिए आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 9, नवी झील जो कि है वो है आपकी गुजरात से, गुजरात से चार पांच हैं, गुजरात से पांच हैं, तो इन्हें देख लेते हैं, सारी एक साथ देख लेते हैं, कोशिश कर रहा हूँ कि स्क्रीन पर आ जाएं। चलिए चार 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 पहले देखते हैं, फिर एक बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए, हमीर सर झील, हमीर सर झील ये कहाँ है? गुजरात में, गुजरात के कच्छ, कच्छ जिले में है। हमीर सर झील ये एक तरह की कृत्रिम झील है, भुज के मध्य में स्थित है। और दूसरी है कंकरिया झील, कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद में। ये 14वीं शताब्दी के दौरान
मोहम्मद शाह द्वितीय द्वारा निर्मित की गई थी। ठीक है, मोहम्मद शाह द्वितीय के द्वारा निर्मित की गई थी। कौन सी झील? कंकरिया झील। आगे है नारायण सरोवर और थोल, ये दोनों गुजरात में हैं। ठीक है, और नारायण सरोवर जो है ये हिंदुओं के लिए तीर्थ स्थल भी है। ठीक, अगला है आपका कच्छ का, देख लीजिए एक बार। गुजरात के कच्छ में जो है दो झीलें हैं, कच्छ में कौन कौन सी? एक नारायण सरोवर और एक हमीरसर झील, हमीरसर। ठीक है, तो गुजरात में क्या क्या हो गया? हमीरसर झील का हमीरसर कंकरिया नारायण थोल, हमीरसर कंकरिया नारायण थोल। इस तरह के आप नोट्स बना सकते हैं और उन्हें बार बार रिवाइज करते रहिए। ठीक, हमीरसर कंकरिया नारायण और थोल। आगे बढ़ेंगे, आगे है आपका गुजरात का एक और है वस्त्रापुर झील। वस्त्रापुर झील कहाँ है? गुजरात में है, अहमदाबाद में। ये पिकनिक का एक स्थान है। आगे बढ़ते हैं, क्या है? बड़कल झील। बड़कल झील ये कहाँ है? हरियाणा। बड़कल झील है हरियाणा की फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में मानव निर्मित है मीठे पानी की झील है, ज़्यादातर मीठे पानी की झीलें हैं। अगला है ब्लू बर्ड झील। ब्लू बर्ड झील है हरियाणा के हिसार में, हरियाणा के हिसार में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर है आपका हरियाणा के थानेश्वर में। दमदमा झील, दमदमा है हरियाणा के सोहना में, हरियाणा के सोहना में। ठीक है, तो हरियाणा के सारे इंपॉर्टेंट हैं, बड़कल झील, ब्लू बर्ड झील, ब्रह्म सरोवर और दमकला झील। ठीक है, फरीदाबाद, हिसार, थानेश्वर और सोहना, बड़कल झील हरियाणा फरीदाबाद में, ब्लू बर्ड झील हरियाणा हिसार में, ब्रह्म सरोवर हरियाणा थानेश्वर में, दमदमा झील हरियाणा के सोहना में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कर्ण झील। कर्ण झील है आपके हरियाणा के करनाल में, कर्ण झील है हरियाणा के करनाल में। ये है महान महाकाव्य महाभारत से संबंधित, महाभारत से संबंधित। महाभारत को और क्या कहा जाता है वो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि महाभारत को और क्या कहा जाता है। ठीक है, कर्ण झील है हरियाणा में, करनाल। अगला है आपका तिलियार झील, हरियाणा में है ये भी, रोहतक जिले में है। तो बहुत सारी हो गई हरियाणा की, लगभग एक बार रिवाइज कर लेते हैं हरियाणा की सारी ताकि कोई डाउट ना रहे आपको। तो बड़कल झील है पहली, बड़कल झील, फिर ब्लूबर्ड झील, ब्रह्म सरोवर, दमदमा झील और कर्ण झील, कर्ण झील, कर्ण झील और तिलियार झील। ठीक है, कर्ण झील और तिलियार झील। तो सारी ऊपर कौन सा था? 29 19 तक था आपका हरियाणा। इसकी सारी आप लोगों ने झील देख ली है हरियाणा तक की। इसके बाद आप एक काम करिएगा कि जो इंडिया का जो मैप है, मैप में आप लोग बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें याद रखिएगा कि कौन सा राज्य किस जगह पर है, राज्य की पोजीशंस दिमाग में सेट करके रखिए। मैं इस लेक्चर को जब डालूंगा तो आपको कम्युनिटी में एक मैप मिल जाएगा और उसमें सारे जो भी झील हैं वो किस किस जगह पर हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और वहाँ पर आपको इस वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप देख पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है आपका चंद्रताल। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है। ये मीठे पानी की झील है, रामसर आर्द्र भूमि स्थल। ठीक है, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में। अगला है सूरजताल। सूरजताल भी हिमाचल प्रदेश में है, सूरजताल भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगला है आपका महाराणा प्रताप सागर, यह भी हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा कांगड़ा जिले में। अगला है आपका पराशर झील, हिमाचल प्रदेश की मंडी जिले में। ठीक है, इसमें तैरता द्वीप, फ्लोटिंग द्वीप है पराशर झील में, हिमाचल प्रदेश में है, जो कि इसमें तैरता हुआ द्वीप है। ठीक है, तो ये थी आपकी चार, एक और है नीचे भी, इसमें देखेंगे। पहले चंद्रा झील हो गई हिमाचल प्रदेश, चंद्रा सूरज, महाराणा प्रताप पराशर, महाराणा प्रताप सागर, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश, कन्फ्यूज मत होइएगा। चंद्रताल, सूरजताल, महाराणा प्रताप सागर, पराशर झील। ठीक है, भूलने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गई आपकी हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, चार ही हैं। ठीक, चार हो गई आपकी, चंद्रा सूरज महाराणा और पराशर। ठीक है, एक बार ऊपर से रिवाइज कर लें क्या, देखते हैं एक बार सारा। आंध्र प्रदेश पुलकित, पुलकित कोलेरू झील, पुलकित कोलेरू नागार्जुन, पुलकित कोलेरू नागार्जुन आंध्र प्रदेश। असम की हो गई कौन कौन सी? हाफलोंग दीपोर, सोन चादुम्बी। ठीक है, अगला है आपका बिहार। बिहार में हो गई कनवार झील, उसके बाद गुजरात में स्टार्ट होता है हमीरसर कंगरिया नारायण और थोल और वस्त्रापुर। ठीक है, ये हो गई आपकी गुजरात की। अगला है आपका हरियाणा, बड़कल झील, ब्लूबर्ड झील, ब्रह्म सरोवर, दमदमा झील और कर्ण झील और तिलहार झील। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की मैंने ये अभी अभी बता दी।
अब देखेंगे हम लोग जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की चार हैं, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कई एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। वुलर झील, जैसा कि मैंने बताया था, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, इंपॉर्टेंट है। यह है आपके जम्मू कश्मीर बांदीपुर में, ठीक है, बांदीपुर में। अगला है आपका डल झील। डल झील है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में, ठीक है। यह है पिछले पिछले हिमनदों के अवशेष, ठीक। अगला है आपका पैगोंग तोत्सो, पैगोंग तोसो, पैगोंग तोसो। यह है जम्मू कश्मीर के लद्दाख में, भारत चीन सीमा पर, भारत चीन सीमा पर। अगला है आपका इंपॉर्टेंट है सारी जम्मू कश्मीर की, तोसो मुरेरी। तोसो मुरेरी है जम्मू कश्मीर के लद्दाख में, ठीक है। खारे पानी की झील, खारे पानी की झील, ठीक है। तो यह है आपकी सबसे ऊंची झील है, तोसो मुरेरी खारे पानी की झील है, सबसे ऊंची झील है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की हो गई चार, कौन कौन सी? डल झील, पोगोंग तोसो, वुलर झील और तोसो मुरेरी। चलिए नेक्स्ट, अगला है अगाता झील। अगाता झील, अगाता झील है आपकी कर्नाटक, अगाता झील है आपकी कर्नाटक के बेंगलोर में। यह है मीठे पानी की झील है, शहर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, शहर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। और आगे देखेंगे कर्नाटक की और कौन सी है, कर्नाटक की और कौन सी है अगाता झील के अलावा? बेलेंदूर झील, बेलेंदूर झील, कराची झील, उलझूर झील, कुकराहल्ली झील और होन्नामाना झील, होन्नामाना झील, ठीक है। कहाँ कहाँ, कौन कौन सी कर्नाटक में? अगाता झील, यह है मीठे पानी की, मीठे पानी की, और ज़्यादातर पानी मीठे पानी की झीलें पाई जाती हैं भारत में, ठीक है। बेलेंदूर झील, अगाता झील कर्नाटक में, बेलेंदूर झील कर्नाटक के बेंगलोर में, कराची झील, कराची झील से आप कन्फ्यूज मत, इनमें पाकिस्तान मत कर दीजिएगा, कराची झील कर्नाटक में मैसूर में, ठीक है। अगला है उलसूर झील कर्नाटक के बेंगलोर में, कुकराहल्ली झील कर्नाटक के मैसूर में, होन्नामाना झील कर्नाटक के कोडागु में, ठीक। आगे बढ़ेंगे, एक कर्नाटक की और है पंपा सरोवर। पंपा सरोवर कहाँ है? कर्नाटक के हम्पी, हम्पी तुंगभद्रा नदी पर, ठीक, हम्पी। चलिए तो कर्नाटक की हो गई, इसके बाद देखते हैं केरल की कौन कौन सी है। केरल में आपकी अष्टमुंडी कायल झील है, अष्टमुंडी कायल। राज्य याद करने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब बस नाम और उनके राज्यों के नाम याद रखिए, उतना ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अष्टमुंडी कायल झील है केरल में। कुट्टनाड झील, कुट्टनाड है आपकी केरल में, कुट्टनाड केरल में, अष्टमुंडी कायल केरल में, बेबनॉड केरल में, साष्ट मटकोट्टा केरल में, भोजतल एमपी में, देखिए, ठीक है। चलिए केरल के सारे एक बार, केरल के सारे एक बार फिर से देखेंगे हम लोग। अष्टमुंडी कायल केरल में, कुट्टनाड, बेबनाड, साष्टमडकोड्डा झील। नाम से आप आइडिया लगा लीजिए, एक नाम से आप बहुत ही आसानी से मार्क कर पाएंगे इन लोगों के, केरल वालों को। अष्टमुंडी कायल झील, कुट्टनाड, बेबनाड और साष्टमकोट्टा, ठीक है। ये सारी झीलें कहाँ हैं? केरल में। आगे बढ़ेंगे हम लोग, भोजतल, भोजतल है एमपी में, भोजतल है एमपी भोपाल में। अगला है आपका सलीम अली, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। सलीम अली कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। सलीम अली महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, शिव सागर महाराष्ट्र के सतारा में, लोनार झील है महाराष्ट्र के बुलढाणा में, ठीक है। यह है आपके सलीम अली, शिव सागर और लोनार झील, तीनों कहाँ हैं? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, ठीक है, तीनों कहाँ हैं? महाराष्ट्र में, सलीम अली, शिव सागर और लोनार झील। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका लोकटक झील, लोकटक झील, यह है मणिपुर में, लोकटक है मणिपुर में, ठीक है, लोकटक है मणिपुर में। उमियम झील, यह है मेघालय, यह है मेघालय में, उमियम झील मेघालय में है, शिलोंग में, मेघालय के शिलोंग में, ठीक है। अगला है आपका एक एक इसमें एक ही एक है, याद रखिए ऐसे ने, मणिपुर में लोकटक, मेघालय में उमियम और मिजोरम, मिजोरम में तमदिल झील, तमदिल, तमदिल झील, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी चिल्का, चिल्का उड़ीसा। एक बार ये सारे रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मणिपुर लोकटक झील, मेघालय उमियम झील, मिजोरम तमदिल झील, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे आप उड़ीसा, अब आते हैं उड़ीसा पे। उड़ीसा में कितनी हैं? दो झीलें हैं, कौन कौन सी? चिल्का और कंजिया। चिल्का और कंजिया झील कहाँ है? चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। कंजिया झील कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। आगे है आपकी पंजाब, पंजाब की झीलें देखते हैं क्या है पंजाब में। तीन है आपकी, तीन झीलें हैं आपकी पंजाब में। हरी हरिके झील, हरिके झील, रूपर झील, कांजली झील। हरिके रूपर कांजली, हरिके रूपर
हरि के ऊपर कांजली, ऐसे याद रख लीजिए, हरि के ऊपर कांजली, ठीक है, हरि के ऊपर और कांजली, ठीक है, हरि के ऊपर कांजली पंजाब, हरि के ऊपर कांजली, इसी तरह की कुछ चार पांच चीज़ें बनाकर एक साथ आप चीज़ों को याद रख सकते हैं, पंजाब की हैं ये सारी। आगे बढ़ेंगे, सांभर झील, सांभर झील कहाँ की है, सांभर झील कहाँ की है, यह है राजस्थान की, और राजसमंद, राजसमंद है ना, राजसमंद, तो ये भी आपकी राजस्थान की है, सांभर झील राजस्थान और राजसमंद भी राजस्थान की है, जो यूपी के आसपास के हैं, इधर सारे स्टेट जो भी छूते हैं इसे, इस इन लोगों के आप याद रखिएगा ज़्यादातर, और यहाँ से एग्ज़ाम से कई बार पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है, पूछा तो कहीं से भी जा सकता है पूरे भारत में, लेकिन आप इन्हें ज़्यादा अच्छे से याद करिएगा, राजस्थान, एमपी है ना, इन सब के, सांभर झील राजस्थान, राजसमंद राजस्थान। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे है सिक्किम, सिक्किम की दो झीलें हैं, दोनों देखते हैं, तुशो मगो झील, तुशो मगो झील, यह है सिक्किम की, ठीक है, और खेचियो पलारी, खेचियो पलारी, यह भी झील है सिक्किम में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, ऊटी झील, अगला है आपका ऊटी झील, यह है तमिलनाडु की दो झीलें, ऊटी झील और चेम्बरा बक्कम झील, ऊटी झील और चेम्बरा बक्कम झील, कौन कौन सी हैं, ऊटी झील और चेम्बरा बक्कम झील, तमिलनाडु में है, एक तमिलनाडु के नीलगिरी में है ऊटी झील, और चेम्बरा बक्कम झील है तमिलनाडु के चेन्नई में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तेलंगाना, दो झीलें हैं तेलंगाना में, तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना के हैदराबाद में है एक हुसैन सागर, तेलंगाना के हैदराबाद में है हुसैन सागर, हुसैन सागर, और भद्रकाली झील है, भद्रकाली झील भी इंपॉर्टेंट है, भद्रकाली झील है तेलंगाना के वारंगल में, ठीक है, हुसैन सागर भद्रकाली तेलंगाना में, हुसैन सागर भद्रकाली तेलंगाना में, हुसैन सागर भद्रकाली तेलंगाना में, ऊटी झील चेराबक्कम झील तमिलनाडु में, ऊटी झील चेराबक्कम झील तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला है आपका यूपी में, यूपी में दो हैं, यूपी में दो हैं, रिहंद बांध पर, रिहंद बांध पर है गोविंद वल्लभ सागर, वल्लभ पंत सागर है ना, गोविंद वल्लभ पंत सागर, उत्तर प्रदेश सोनभद्र में, ठीक है, सोनभद्र में है गोविंद वल्लभ पंत सागर, उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध, ठीक है, रिहंद बांध पर इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम्स में। अगला है बेला सागर, बेला सागर यूपी में, कुल पहाड़ जगह, राज्य कुल पहाड़ जिले में, और ये सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती है। अगला है आपका यूपी के, दोनों देख लिए आपने, गोविंद वल्लभ पंत सागर, और आप मुझे बताइए महाराणा प्रताप करके एक थी वो कहाँ पर है, ठीक है, कमेंट करिए, बेला सागर झील यूपी में। और अगला है आपका उत्तराखंड की, एक है भीमताल, उत्तराखंड में एक है भीमताल नैनीताल में, और भीमताल नैनीताल में, इसके बाद 62 लास्ट है आपकी पश्चिम बंगाल कोलकाता में, पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि, ये में तो लिखा हुआ है सीधा सीधा कोलकाता, आप सबको पता है पश्चिम बंगाल, तो कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड की आपने देखी, भीमताल उत्तराखंड नैनीताल में, अगला है बेला सागर और गोविंद वल्लभ पंत, ये हो गई आपकी यूपी की हो गई, सोनभद्र और कुलपहाड़ में, अगला है आपकी तेलंगाना, तेलंगाना में आपने देख ली क्या क्या, हुसैन सागर और भद्रकाली झील, हुसैन सागर और भद्रकाली झील, इसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी आपने दो झीलें देखी, कौन कौन सी, ऊटी झील तमिलनाडु और चेराबक्कम झील तमिलनाडु में, ठीक है। अगला है आपका सिक्किम, सिक्किम में भी आपने दो झीलें देखी, कौन कौन सी, तुशो मगो झील और खेचियो पलारी झील, ठीक है, ये दोनों सिक्किम में है। अगर बात की जाए इसके में, खेचियो पलारी झील जो है यह हिंदुओं एवं बौद्धों के लिए पवित्र झील है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसके ऊपर क्या है, राजस्थान, राजस्थान में दो झीलें हैं, सांभर झील और राजा राज संबद, राज संबंध, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों राजस्थान की, याद रखिएगा। अगला है आपकी पंजाब, पंजाब में तीन है, हरिके झील, हरिके झील, रूपर झील और कांजली, हर के ऊपर कांजली, मैंने बताया हरि के ऊपर कांजली पंजाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, उड़ीसा, उड़ीसा चिल्का झील, उड़ीसा चिल्का झील और कंजिया, चिल्का कंजिया, चिल्का कंजिया, ठीक है, चिल्का और कंजिया कहाँ की हैं, उड़ीसा की। चलिए आगे है आपका जो सिंगल सिंगल है सब देख लीजिए लीजिए एक बार में, मिजोरम तमदिल झील, मिजोरम में तमजिल, तमदिल, मिजोरम में तमदिल, मेघालय में उमियम, मेघालय में उमियम, कन्फ्यूज़ मत होइएगा मेघालय और मिजोरम में, मेघालय में उमियम और तमदिल झील है मिजोरम की, मणिपुर की है लोकटक झील, मणिपुर की है लोकटक झील, ठीक है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सलीम अली शिव सागर लोनार, सलीम अली शिव सागर और लोनार,
सलीम अली, शिवसागर और लोनार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एमपी, एमपी में देखिए क्या है, भोजतल। एमपी में है भोजतल, एमपी की है भोजतल। ठीक है, केरल, केरल की सारी देख लीजिए एक बार फिर से, रिवाइज कर लीजिए। ये नाम से ही पता चल रहा था आपको, नाम से ही पता चल रहा था, अष्टमुंडी कायल झील और कुट्टनाड, इस तरह के जो भी नाम है, अष्टमुंडी कायल, कुट्टनाड, बिबनौड, साष्टमठ कोटा झील, है ना। ये सारी कहाँ की है, केरल की है। आगे बढ़ेंगे कर्नाटक, कर्नाटक में देख लीजिए, पंपा सरोवर, होन्ना माना, कुकराहल्ली और उल्सूर झील और कराची झील और बेलेंदूर झील। सबसे ज़्यादा कर्नाटक की झीलें हैं, सबसे ज़्यादा कर्नाटक की, है ना, कर्नाटक की सबसे ज़्यादा हैं झीलें। तो याद रखिए, याद रखिएगा इन्हें, बेलेंदूर, बेलेंदूर, कराची, उल्सूर, कुकराहल्ली, होन्ना माना, पंपा सरोवर, है ना। ये सारी कहाँ की हैं, कर्नाटक की हैं। इन्हें ट्रिक के जरिए भी आप याद रख सकते हैं, बहुत सारी यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जिन्हें डायरेक्ट याद है मैप वगैरह देखकर, वो आप ऐसे याद रखिए। आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर में की मैंने बता दी, वुलर झील और ये रही ऊपर वाली भी, डल झील, डल झील, प्योंगु तुशो, वुलर झील और तुशो मुरीरी, तुशो मुरीरी। ठीक है, इससे पहले का कई बार रिवीजन करा चुके हैं तो रिवाइज हो गया सारा यहाँ तक। तो इसी तरह पढ़ते रहिए आप लोग हमारे साथ। टोटल 62 झीलें थी, ये इम्पॉर्टेंट थी जो कि, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब करिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लेक्चर्स पहुँचें और लोग पढ़ सकें। ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।